हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKPS स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार। आज का जो मेरा क्लास होगा दोस्तों, क्लास 12th का जो कि साइंस ऑनर्स का जो कि है बायोलॉजी का, ये चौथा वीडियो बन रहा है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। तो दोस्तों यानी सही उत्तर चुने, चूज द करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स ईच द, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में जो कि है एक अंक का जो कि प्रत्येक क्वेश्चन होगा इसमें, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा बायोलॉजी का। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन के दबाकर आप ऑल पे प्रेस कर लें। इससे ये फायदा होगा कि आने वाली कोई भी वीडियो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए मैं जो कि सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चे नारियल का दूधिया पानी है, कच्चे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन का मैं कह रहा है कि द्रवित माता गैमिटोफाइड, ऑप्शन का में बिजोल का स्तार्व, और ऑप्शन का में दर्वित्र भूर्णपोष, और ऑप्शन का में केंद्रिका उत्तक। तो यहाँ पर एक का मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूँ कि दर्वित भूर्णपोष जो होगा ऑप्शन नंबर का, ये मेरा जो कि इस क्वेश्चन का दुधिया नारियल का दुधिया पानी में जो होता है दर्वित भूर्णपोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर का जो होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, करा इनमें से कौन सा चैन जो कि समापन कोडॉन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में करा ए का में है AUG, ऑप्शन ख में GUG, और ऑप्शन का में UAA, ऑप्शन का में ACC। तो इनमें से कौन सा चैन समापन कोडॉन है? तो दो का मैं राइट आंसर बता दूँ कि दो का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ग जो हो जाएगा, UAA जो होता है वो जो कि एक कोडॉन होता है। ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन तीसरा है दोस्तों, कहता है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन इस जो कि स्थिरीकरण में सहायक है? तो ऑप्शन का में नोस्ट्रॉक, ऑप्शन का में एनाबेना, ऑप्शन का में जो कि ऑस्ट्रीलेटोरिया, ऑप्शन का में इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो मैं बता दूं कि तीन का राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि इनमें से सभी जो हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज जो हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल सारे का सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, करा TDNA पाया जाता है, तो TDNA पाया कहाँ पर जाता है? तो ऑप्शन का में देखते हैं। ऑप्शन का में साइक्रोमाइजेज, ऑप्शन का में एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन का में जो कि पेनिसिलियम, और ऑप्शन का में जो कि पक्सिनिया। तो यहाँ पर जो कि 4 का मैं राइट आंसर बता दूँ कि 4 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम जो होगा DNA का ये होता नाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो मेरा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कर अनुमलमीय जो कि परागित फूल होते हैं तो क्या होते हैं? तो ऑप्शन का में है कीट परागित, ऑप्शन का में चमगादड़ परागित, और ऑप्शन का में स्वपरागृत, और ऑप्शन का में जल परागृत। तो 5 का मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर ग जो हो जाएगा, स्वपरागृत कीट जो होगा अनुमंडलीय परागृत फूल होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ग जो हो जाएगा सेल्फ ये पॉलिनेटेड जो होगा ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, करा इनमें से कौन DNA के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है? तो ऑप्शन का में DNA पॉलीमरेज, ऑप्शन ख में RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन का में पोटो आइसोमरेज, ऑप्शन का में DNA लाइगेज। तो इनमें से कौन सा DNA के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है? तो 6 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा, DNA लाइगेज जो हो जाएगा ये छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, करा वह कौन बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्यों की आंत में साधारणतया पाया जाता है? तो ऑप्शन का में जो कि है बैसिलस एंथ्रोसिमसिस, ऑप्शन का में जो कि है विब्रियो कॉलोरी, ऑप्शन का में ई कोलाई, ऑप्शन का में जो कि कोराइनी बैक्टीरिया। तो यहाँ पर 7 का मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ई कोलाई जो होगा बैक्टीरिया जंतुओं को मनुष्यों को आंत में साधारणता पाया जाता है, ई कोलाई, यानी ऑप्शन नंबर ग जो होगा मेरा, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, करा कि पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक है कौन से कौन है। तो ऑप्शन क में पौधे और जंतु, ऑप्शन ख में जैविक एवं अजैविक, ऑप्शन ग में ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज लवण चक्रण, ऑप्शन घ में इनमें से सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक हैं, तो 8 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा, ऑप्शन जैविक एवं अजैविक जो हो जाएगा, ये पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 करा, नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के साथ युग्मक कहलाता है, तो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन का में संयुग्मन, ऑप्शन का में ट्रिपल जो कि फ्यूजन जो कि शिलंजन, ऑप्शन ग में जो कि सजात पुष्पिक परागण, ऑप्शन घ में निमिलता। तो 9 का मैं राइट आंसर बता दूं दोस्तों कि 9 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन जो होगा जो कि त्रिसंलयन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ख जो होगा दोस्तों ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में करा, ओपेरॉन मंडल किसके जो कि प्रस्तावित किया, ओपेरॉन मंडल किसने प्रस्तावित किया। तो ऑप्शन का में वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन ख में ब्रिटन एवं डेविसन, ऑप्शन घ में जैवक और मोनाइड, और ऑप्शन घ में सॉर्प। तो ओपेरॉन मंडल किसने जो कि प्रस्तावित किया था, तो 10 का मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर ग जो हो जाएगा जैवक, और मोनाइड जो हो जाएगा ऑप्शन ग, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, करा, एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल है क्या होता है। तो ऑप्शन का में उत्पादक, ऑप्शन ख में जीव भार, ऑप्शन ग में कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन घ में सूर्य की ऊर्जा। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल क्या होते हैं। तो 11 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा जो होता है एक पारिस्थितिक तंत्र का वाहक बल होता है, यानी सोलर एजेंसी उसे बोलते हैं इंग्लिश में, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन का में एसीटोबैक्टर एसीटी, ऑप्शन ख में ईस्ट, ऑप्शन घ में एस्पराजिल्स नाइजर, ऑप्शन घ में जो कि स्पेक्ट्रोकॉकस। तो साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो 12 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर ग जो हो जाएगा, एस्पराजिल्स नाइजर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क में सूर्यमुखी, ऑप्शन ख में मक्का, ऑप्शन ग में अंजीर, ऑप्शन घ में अक्का। तो वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा। तो 13 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा, मक्का जो होगा ये वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण है, मक्का, यानी ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, करा कि राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है, राइबोसोम का एक बड़ा झुंड क्या कहलाता है। तो ऑप्शन का में मेगासोम, ऑप्शन ख में माइक्रोसोम, ऑप्शन ग में ओलिगोसोम, ऑप्शन घ में जो कि है पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम का एक बड़ा झुंड का क्या कहलाता है। तो 14 का मैं राइट आंसर बता दूं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा, ये पॉलीराइबोसोम जो हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो कि है ये राइबोसोम का बड़ा झुंड कहलाता है पॉलीराइबोसोम, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 नंबर क्वेश्चन है, करा पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एक का में है इसके जीव भार में, ऑप्शन ख में जो कि ग्राम गृहों के चक्रण में, ऑप्शन घ में ऊर्जा प्रवाह में, ऑप्शन घ में ख और ग दोनों। तो पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किस में है। तो 15 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख और ग इसके जीवन भर और सामग्रियों के चक्रण में जो कि ऑप्शन क और ग जो ख और ग जो होगा, ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों राइट आंसर है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, करा निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक है? तो ऑप्शन क में जो कि साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन ख में माइकोराजिया, ऑप्शन ग में सहजीवी बैक्टीरिया, ऑप्शन घ में इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक है? तो 16 का मैं राइट आंसर बता दूँ दोस्तों कि ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज जो हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल सारे का सारे ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर घ जो होगा ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं, करा कौन सी कोशिका मानव विसरण में शुक्राणु को पोषित करता है? तो ऑप्शन क में है जो कि है लीडिंग कोशिका, ऑप्शन ख में नर जर्म कोशिका, ऑप्शन ग में अग्रपुंजक, ऑप्शन घ में सटोली कोशिका। तो कौन सी कोशिका मानव विसरण में शुक्राणु को पोषित करता है? तो 17 का मैं राइट आंसर बता दूं कि 17 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा, सटोली कोशिका जो हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में, 18 नंबर क्वेश्चन है, करा मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित होते हैं, मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित क्या होते हैं? तो ऑप्शन क में केंद्रक, ऑप्शन ख में सेंट्रियोल, ऑप्शन ग में माइट्रोकांडिया, ऑप्शन घ में कुछ नहीं। तो मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित क्या होते हैं? तो 18 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर ग जो हो जाएगा, माइट्रोकांडिया जो हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, करा कि अग्रपुंज पाए जाते हैं, अग्रपुंज क्या पाए, कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन क में शुक्राणु में, ऑप्शन ख में अंडाणु में, ऑप्शन ग में अंडाशय में, ऑप्शन घ में युग्मनज में। तो अग्रपुंज पाए जो जाते हैं, 19 का मैं राइट आंसर बता दूं दोस्तों कि 19 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर क जो हो जाएगा, शुक्राणु में जो कि पाया जाता है, अग्रपुंज पाया जाता है शुक्राणु में, यानी ऑप्शन नंबर क जो होगा ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, करा गट्ठर एंड्रम किसकी गुहा है? तो गट्ठर एंड्रम किसकी गुहा है? तो ऑप्शन क में अंडाशय, ऑप्शन ख में ग्राफी पुटक, ऑप्शन ग में है जो कि ब्लास्टुला, ऑप्शन घ में गेस्टुला। तो गट्ठर एंड्रम किसकी गुहा है? तो 20 का मैं राइट आंसर बता दूं कि 20 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ख जो होगा, ग्राफी पुटक जो होगा, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, करा मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन क में अलैंगिक, ऑप्शन ख में लैंगिक, ऑप्शन ग में दोनों, और ऑप्शन घ में कोई नहीं। तो मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? तो 21 का मैं राइट आंसर बता दूं कि 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख जो होगा, लैंगिक प्रजनन जो है मानव में जो कि यह प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन का, यानी ऑप्शन नंबर ख जो होगा ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, करा कि गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन क में अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत, ऑप्शन ख में अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने को न रोकने को सिद्धांत, और ऑप्शन ख में अंडाणु की उत्पत्ति को रोकने के सिद्धांत, और ऑप्शन ख में शुक्राणु की उत्पत्ति को रोकने के सिद्धांत। तो गर्भ निरोधक प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 22 का मैं राइट आंसर बता दूं दोस्तों कि 22 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर क होगा, जो कि अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत को हम प्राकृतिक विधियां का सिद्धांत पर कार्य करती है गर्भाशय में, ठीक है ना, ऑप्शन क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंडोत्तरसर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो ऑप्शन क में है FSH, ऑप्शन ख में एस्ट्रोजन, ऑप्शन ग में LH, ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्तरसर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो 23 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर ग जो हो जाएगा, LH जो हो जाएगा ऑप्शन ग, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, LH, ऑप्शन सी, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करा कि टी लिमोसाइटस कहाँ उत्पन्न होता है? तो टी लिमोसाइटस कहाँ उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क में थाइमस में, ऑप्शन ख में अंडाशय में, ऑप्शन ग में यकृत में, और ऑप्शन घ में जो कि अस्थि मज्जा में। तो टी लिमोसाइटस कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो 24 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा, अस्थि मज्जा में जो हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, करा हिस्टामिन संबोधित है, हिस्टामिन संबंधित क्या चीज़ है? तो ऑप्शन क में उदासीनता से, ऑप्शन ख में बी लिम्फोसाइट से, ऑप्शन घ में एंटीबायोटिक बॉडी से, ऑप्शन घ में एलर्जी से।
तो हिस्टामिन संबंधित है। तो 25 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा एलर्जी से जो हो जाएगा हिस्टामिन संबंधित होता है एलर्जी से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, क्राइरेबीज का टीका किसने खोजा था? तो ऑप्शन क में जेनर, ऑप्शन ख में पास्चर, ऑप्शन ग में डॉर्विन, ऑप्शन घ में लैमार्क। तो रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो 26 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा पाश्चर ने जो किया है ये रेबीज का टीका खोजा था पाश्चर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है पर्यावरण में मौजूद कुछ परजीवियों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन क में है एलर्जन, ऑप्शन ख में एलर्जी, ऑप्शन ग में जो कि प्रति आवर्ष, ऑप्शन ख में इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण में मौजूद कुछ परजीवियों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र को अनुक्रिया को क्या कहलाती है? तो 27 का मैं राइट आंसर बता दूँ दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ख जो होगा, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा एलर्जी जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।